नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से प्लस टू की फिजिक्स आप लोगों को करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने चौथा चैप्टर विद्युत धारिता पढ़ रहे हैं जो अपने आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने न केवल चौथा चैप्टर जो अपने स्थिर विद्युत की पार्ट पढ़ रहे हैं 7 नंबर का, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए आगे अपने अब अपने जो लास्ट क्लास में अपने टॉपिक पढ़ा था उभयनिष्ठ विभव, वहां से आपको मैं इसे फिर से बता रहा हूं। उभयनिष्ठ विभव से कल के वीडियो में लास्ट में थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो जो 2-3 मिनट का बचा हुआ है वैसे शुरू कर रहा हूं। फिर से देख लीजिए उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव का मतलब, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, उभयनिष्ठ विभव का मतलब होता है कुल आवेश और कुल धारिता का अनुपात। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव का मतलब होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश और कुल धारिता का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। देखिए C इक्वल Q अपॉन V और V इक्वल C अपॉन Q, ये V इक्वल Q अपॉन C। देखिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, C इक्वल क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो V इक्वल क्या होगा? Q अपॉन C होगा। उभयनिष्ठ विभव है तो कुल आवेश लिख देंगे और कुल धारिता लेंगे, फॉर्मूला तो यही है। और क्या लिख देंगे? कुल आवेश और कुल धारिता लिख देंगे। अब देखिए आगे फिर अपने, तो उभयनिष्ठ विभव को किससे लिखा जाता है? कैपिटल V से लिखा जाता है। और कुल आवेश, दो जो चालक थे आपके पास में Q1 और Q2 आवेश था, तो कुल आवेश जोड़ दिया और कुल धारिता कितनी आएगी? C1 प्लस C2 आएगी। तो उभयनिष्ठ विभव किसके बराबर होगा? Q1 किसके बराबर था? C1 V1 के, और Q2 किसके बराबर था? C2 और V2 के बराबर था। तो ये आपके पास में क्या आता है? उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आता है। उभयनिष्ठ विभव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। V इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई न्यूमेरिकल वगैरह भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको वो तो बता ही दिया था कि जो आवेश है वो धारिताओं के अनुपात में पुनर्वितरित होता है, और जो विभव होता है वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात के रूप में वितरित होता है। यानी अगर विभव के पुनर्वितरण की बात की जाए तो अपने क्या करते हैं, जो दोनों चालक गोले हैं उनमें से किसी एक के विभव को क्या कर लेते हैं? ज़्यादा मान लेते हैं। एक का विभव V1 है और एक का विभव क्या है? V2 है। तो इन V1 और V2 में से किसी एक का विभव अपने क्या कर लेते हैं? ज़्यादा मान लेते हैं। देखिए अपने जो विभव है, एक का तो V1 है और एक का क्या है? V2 है। तो दोनों में से किसी एक को अपने क्या कर लेंगे? ज़्यादा मान लेंगे। V1 और V2 में से किसी एक को क्या कर लेंगे? ज़्यादा मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ V1 को क्या कर लिया है? ज़्यादा मान लिया है। किसकी तुलना में? V1 को ज़्यादा मान लिया है। किसकी तुलना में? V2 की तुलना में। तो उभयनिष्ठ विभव जो आएगा वो V1 से तो क्या होगा? छोटा होगा, परंतु V2 से वो क्या होगा? बड़ा होगा। V1 जो है वो V से बड़ा है और V2 जो है वो क्या है? V से छोटा है, क्योंकि आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है। और आवेश का पुनर्वितरण जो है कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जो दोनों गोले आपके पास में है, जब तक दोनों गोलों का विभव बराबर नहीं हो जाता, आवेश जो है वो क्या होगा? पुनर्वितरित होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपने जो विभव में परिवर्तन है, जो प्रथम गोला है उसके विभव में परिवर्तन मान लिया डेल V1 है, किसके बराबर होगा? V1 माइनस के V के बराबर होगा। यानी विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है? विभव में परिवर्तन हो रहा है V1 से V, जो जिस गोले का विभव ज़्यादा है उसका विभव कम हो रहा है, कितने तक? V तक। तो V1 से कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? V कम हो रहा है। तो V1 में से V को क्या करना है? घटाना है। यानी V1 और V में से ज़्यादा कौन है? V1 है। तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को क्या करना है? अपने को घटाना है। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा डेल V1 बराबर V1 माइनस का V। तो यहाँ आएगा डेल V1 बराबर V1 माइनस का V, और V का मान कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2। ये मान कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और डेल V1 जो है वो किसके बराबर आएगा? तो इसके लिए आपको यहाँ लेना पड़ेगा LCM। यहाँ क्या करना पड़ेगा? आपको LCM लेना पड़ेगा। LCM कितना है? C1 प्लस का C2 है। मल्टीप्लाई कीजिए इसे V1 से, ये बनेगा C1 V1
C1V1 प्लस का C2V1 प्लस का C2V1 माइनस का C1V1 माइनस का C2V2 ये बनता है। यहाँ ये मान क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। और डेल V1 किसके बराबर, डेल V1 यहाँ से आप देख सकते हो C2V1 माइनस का C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर हो जाता है। और डेल V1 का अगर मान चाहिए तो वो क्या आएगा, C2 को कॉमन ले और V1 माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस का C2 आ जाए। इसे कोई समीकरण नंबर लगाइए, जैसे या मैं समीकरण नंबर 2 लगाता हूँ इसे। तो ये क्या आ गया, ये प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन आ गया। जो प्रथम गोला A है उसके विभव में कितना परिवर्तन है, डेल V1 बराबर C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 है। अब बात करते हैं जो बी गोला आपके पास में उसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ है। इसके लिए लिखोगे डेल V2 बराबर ये आएगा V माइनस का V2, क्या आएगा V माइनस का V2। देखिए जो दूसरा गोला है उसका विभव क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। दूसरे गोले का विभव क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और प्रथम गोले का विभव क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ देख सकते हो V और V2 में से कौन बड़ा है, V बड़ा है और V2 क्या है, छोटा है। तो V में से V2 को क्या कर देना है, आपको घटा देना है, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे। तो डेल V2 का मान कितना आएगा, डेल V2 बराबर V का मान कितना है, उभयनिष्ठ विभव, तो ये है C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस का V2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख देता हूँ डेल V2। और LCM आता है C1 प्लस का C2, ये तो आएगा नहीं, ऊपर वाली टर्म आएगी C1V1 प्लस C2V2 माइनस का C1V2 माइनस का C2V2, ये हो जाता है निरस्त। और डेल V2 आपके पास में देखिए क्या आता है, डेल V2 ये आता है यहाँ से C1V1 और माइनस का C1V2 अपॉन C1 प्लस का C2, ये किसका मान है, ये डेल V2 का मान है। और डेल V2 यहाँ से कितना, डेल V2 यहाँ से C1 को कॉमन लिया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस का C2, ये समीकरण 3 आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर अपने परिवर्तन का मान ज्ञात करना होगा विभव में, तो ये आएगा डेल V1 बटा डेल V2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल V1 लिखना है। डेल V1 कितना है, C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये है C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। और V2 कितना है, ये जो ऊपर लिखा गया ये नीचे आ जाएगा क्योंकि भाग में, और नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये यहाँ से हो जाता है निरस्त V1, और ये टर्म भी हो जाती है यहाँ से निरस्त। आपके पास में बचता है डेल V1 अपॉन डेल V2 और किसके बराबर, C2 अपॉन C1 के बराबर। ठीक है, यानी आपके पास में डेल V1 अपॉन डेल V2 किसके बराबर है, C2 अपॉन C1 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया था कि सिद्ध कीजिए जो अपने पास में विभव है, आवेश के पुनर्वितरण में जो विभव होता है वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होता है। विभव में परिवर्तन जो है वो क्या होता है, धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को इस टॉपिक को सिद्ध करना था। और आवेश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि आवेश जो आपको प्राप्त हो रहा था वो समानुपात के रूप में प्राप्त हो रहा था, Q1 अपॉन Q2 बराबर था C1 अपॉन C2। परंतु यहाँ ये V1 ऊपर है और ये C1 नीचे है, यानी डेल V1 और C1 में संबंध देखोगे तो वो व्युत्क्रमानुपाती है, जिससे डेल V1 अपॉन डेल V2 क्या प्राप्त हो रहा है, C2 अपॉन C1 आपको प्राप्त हो रहा है। यानी आप लोग बोल सकते हो विभव व्युत्क्रमानुपात के रूप में और धारिता जो है ये आवेश जो है वो समानुपात के रूप में परिवर्तित हो रहा है। आवेश जो है वो धारिताओं के समानुपात में और विभव जो है वो व्युत्क्रमानुपात के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये आपका टॉपिक है आवेश का पुनर्वितरण। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे बात करते हैं, अपना ये टॉपिक वही चल रहा है आवेश का पुनर्वितरण। अपने जो पढ़ रहे थे आवेशित चालकों को, आवेशित चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, तथा ऊर्जा हानि। तो जो ऊर्जा हानि अपने आगे लिखा था, अब अपने उस ऊर्जा हानि की करते हैं बात। तो अपना टॉपिक अब आगे आता है ऊर्जा हानि। ये ऊर्जा हानि किस लिए है, ध्यान रखना, ये ऊर्जा हानि अपने पढ़ रहे हैं जो चालक है उनके संयोजन से
आवेशों के पुनर्वितरण में, यानी जो आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है उसके लिए जो ऊर्जा हानि अपने पढ़ रहे हैं, अपने उस ऊर्जा हानि की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो चालक है उनको जोड़ा गया है और उनको जोड़ने पर जो ऊर्जा हानि हो रही है अपने उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि ये ऊर्जा हानि हो क्यों रही है। तो आपने देखा था कि आपके पास में दो गोले थे, एक ए एक बी, दो गोले, आवेश कितना था Q1 विभव V1 धारिता C1 और इसके लिए ये टर्म थी। उसके बाद में अपने क्या कर दिया था, इन दोनों को किसी चालक तार से जोड़ दिया था। चालक तार से जोड़ने पर इनका विभव समान हो गया था, धारिता में कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता और Q1-Q2 आवेश भी क्या हो गया था, पुनर्वितरित हो गया था। यानी अपने दोनों गोलों को क्या कर दिया था, एक चालक तार से जोड़ दिया था। अब चालक, अपने कोई भी चालक तार ले उसका कोई ना कोई प्रतिरोध क्या होता है, अवश्य होता है, यानी प्रतिरोध उसका नगण्य हो सकता है परंतु जीरो तो नहीं होता। अब प्रतिरोध जीरो नहीं है तो यहाँ क्या होती है, यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसकी वजह से ऊर्जा हानि होती है। अपने उस ऊर्जा हानि का क्या करना है, मान जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए अपने क्या करेंगे, यहाँ अपने सबसे पहले तो जो अपने ए गोला है उसके लिए देखते हैं ऊर्जा कितनी है उसमें। तो U1 का मान कितना होगा, 1/2 C1V1² और U2 का मान कितना होगा, 1/2 C2V2² यानी U जो है आपके पास में कितना है, U1+U2 यानी U का मान है 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² समीकरण एक। आपके पास में संयोजन से पूर्व ऊर्जा कितनी है, U बराबर 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² ध्यान रखना ये ऊर्जा संयोजन से पूर्व है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, संयोजन से पूर्व, ये जो ऊर्जा आपने लिखी है संयोजन से पूर्व है, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2². अब अपने बात करते हैं संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात ये आएगा U1 और कितना, 1/2 C1V² 1/2 C1V² V क्या है, V अपने पास में विभव है, तो U1 किसके बराबर, 1/2 C1V² के, V उभयनिष्ठ विभव है। ठीक है, और U देखेंगे, U2 वो आएगा 1/2 C2V² 1/2 C2V² C2 आएगा, V की स्क्वेयर आएगी, परंतु यहाँ भी V है और यहाँ भी क्या है, V है, क्योंकि संयोजन के पश्चात ही विभव दोनों का बराबर हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव जो है वो अपने आ जाता है और उभयनिष्ठ विभव अपने कितना है, दोनों में V है। देखिए आगे अपने, तो संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा U- किसके बराबर, U1+U2 के बराबर, U- किसके बराबर, ये बराबर होगा 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² यानी U- बराबर 1/2 C1+C2 और V² के बराबर। समीकरण दो आपके पास में प्राप्त हो जाती है। समीकरण एक तो क्या है, 1/2 U बराबर 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² और समीकरण दो क्या है, 1/2 C1+C2 और V² बस फर्क इस बात का है कि यहाँ V1 और V2 क्या है, इसके लिए बराबर है, इसलिए ये समीकरण एक से दो अपने यहाँ पर मिल जाती है। अब अपने बात करते हैं ऊर्जा हानि की, तो ऊर्जा हानि कितनी होगी, ऊर्जा हानि को अगर मैं डेल यू से लिख दूँ तो वो होगी U- U- वही बात फिर से करो, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो, ये ज़्यादा है और ये कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऊर्जा हानि हुई है तो ये ज़्यादा है, तो इसमें से क्या कर देना है आपको, U में से U- को घटा देना है, यानी डेल U बराबर U- U-, जो ज़्यादा ऊर्जा है उसमें से दूसरी ऊर्जा को क्या कर दिया है, घटा दिया है, डेल U बराबर U- U-। देखिए आगे, डेल U बराबर ये आपके पास में क्या है, U है, इसका मान देखें तो 1/2 C1V1² प्लस का 1/2 C2V2
स्क्वायर, ये किसका मान है, यू का मान है, संयोजन से पूर्व ऊर्जा का मान है, और ये संयोजन के बाद का है तो माइनस का एक बटा दो, और ये सी वन प्लस सी टू, और साथ में क्या आएगा इसके वी स्क्वायर आएगा, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, ये आता है एक बटा दो सी वन प्लस सी टू और साथ में वी स्क्वायर। वी स्क्वायर जो लिखा है वो वी क्या है, उबेनिस्ट वीबो है, वी क्या है, उबेनिस्ट वीबो है। तो उबेनिस्ट वीबो एक बार के लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो उबेनिस्ट वीबो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कुल आवेश के और बटा कुल धारिता के। उबेनिस्ट वीबो किसके बराबर है, कुल आवेश के, ये Q1 और ये Q2, और कुल धारिता दोनों का अनुपात जो क्या कहलाता है, उबेनिस्ट वीबो कहलाता है। आपको बता देना है कि कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को उबेनिस्ट वीबो कहते हैं। तो ये मान यहाँ आपको रखना है, डेल U बराबर एक बटा दो सी वन वी वन स्क्वायर प्लस एक बटा दो सी टू वी टू स्क्वायर माइनस का एक बटा दो और C1 प्लस C2, और फिर देखिए V की स्क्वायर, V का मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन C1 प्लस C2 इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आपके पास में है डेल U बराबर एक बटा दो C1 V1 स्क्वायर प्लस एक बटा दो C2 V2 स्क्वायर माइनस का एक बटा दो, और इसे आप लोग ये लिख सकते हो ना, एक बार के लिए देखना, C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 इसकी स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 की होल स्क्वायर, और ये यहाँ से हो जाएगा निरस्त। तो आपके पास में अब क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा डेल U बराबर एक बटा दो C1 V1 स्क्वायर प्लस एक बटा दो C2 V2 स्क्वायर माइनस का एक बटा दो C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर बटा C1 प्लस C, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 इसकी होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 और साथ में एक बटा दो इसके लिखा हुआ है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो डेल U बराबर LCM लेते हैं, सबसे पहले यह लिखता हूँ, इसका LCM आएगा 2 C1 प्लस C2। LCM क्या आता है इसका, 2C1 प्लस C2, ये LCM लेते हैं अपने, यहाँ से देख सकते हो एक बटा दो ये तो आएगा नहीं, दो तो क्या आएगा, सिर्फ C1 V1 स्क्वायर और इसके साथ में मल्टीप्लाई, यानी यहाँ अगर इस टर्म को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये क्या बनता है, ये बनता है C1, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो C1 की स्क्वायर V1 की स्क्वायर, इस C1 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बनता है C1 की स्क्वायर और V1 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी को इसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है C1 C2 और साथ में V1 की स्क्वायर, C1 C2 और V1 की स्क्वायर, प्लस का क्या बनता है आपका, प्लस का बनता है एक बटा दो तो आएगा नहीं, और C1 की इसके साथ में मल्टीप्लाई तो ये C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए ये C2 इसके साथ में तो C2 स्क्वायर और V2 की स्क्वायर, ठीक है, ये बनता है C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 और ये C1 की स्क्वायर, फिर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस का C2 V2 की स्क्वायर। अब ये टर्म जो है आपके पास में यहाँ बच जाती है, तो दो नहीं आएगा, C1 C2 नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, C1 C2 नहीं आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का आता है सिर्फ C1 V1 प्लस C2 V2 और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आता है C1 V1 प्लस C2 V2 और इसकी होल स्क्वायर। इसे अब अपने आगे सोल्व करते हैं, इसे शुरू कर देता हूँ आगे से, देखिए आपके पास में ये बनता है डेल यू बराबर, इसे तो लिखता हूँ सी वन स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर प्लस C1 C2 और V1 स्क्वायर, इसे लिख दिया और इसे भी लिख दिया C1 C2 और V1 स्क्वायर प्लस C1
सी टू वी टू की स्क्वेयर और प्लस का सी टू वी टू की स्क्वेयर, इन दोनों को भी हमने लिख दिया है। तो ये लिखा सी वन सी टू वी टू की स्क्वेयर प्लस सी टू स्क्वेयर और वी टू की स्क्वेयर। माइनस में क्या आएगा, माइनस में वो जो टर्म लिखी हुई है उसे लिखेंगे परंतु होल स्क्वेयर खोलते हुए, यानी माइनस में आएगा माइनस का सी वन स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर माइनस का सी टू स्क्वेयर और वी टू स्क्वेयर, और माइनस का ही टू सी वन सी टू और वी वन वी टू, और इसके भाग में क्या आएगा, भाग में आएगा टू सी वन प्लस सी टू। ये टर्म आपके पास में यहाँ बन जाती है, जो कटता है उसे काट देंगे। देखिए ये सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस माइनस कैंसिल और ये इसे कैंसिल, आपके पास में बचता है डेल यू बराबर सी वन सी टू वी वन स्क्वेयर प्लस का सी वन सी टू वी टू स्क्वेयर माइनस का टू सी वन सी टू वी वन वी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू, माइनस का टू सी वन सी टू वी वन वी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू। अपने लिख सकते हैं डेल यू बराबर सी वन सी टू तो आएगा बाहर, सी वन सी टू आएगा बाहर, ये वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर माइनस का टू वी वन वी टू, वी वन स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर और माइनस का टू वी वन वी टू, क्यों, क्योंकि यहाँ सी वन सी टू अपने बाहर लिख दिया है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा टू सी वन प्लस सी टू, क्या आएगा अपॉन में टू सी वन प्लस का सी टू। और यहाँ से आप देख सकते हो, इसे लिख सकते हो डेल यू बराबर सी वन सी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू, और ये जो टर्म लिखी गई है यहाँ, ये टर्म ये बनती है वी वन माइनस वी टू की होल स्क्वेयर, क्या बनती है वी वन माइनस वी टू की होल स्क्वेयर बनती है, ठीक है। यानी डेल यू जो है वो कितना है, वो है एक बटा दो, और यहाँ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, और यहाँ लिख सकते हो वी वन माइनस वी टू की स्क्वेयर। ऐसा अलग से मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोग इस फॉर्मूले को याद रख सको, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद रखना हो तो आप कैसे याद रखोगे, डेल यू बराबर एक बटा दो, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई है सी वन सी टू की सी वन सी टू, और नीचे दोनों का जोड़ है, और यहाँ क्या है, यहाँ वी वन माइनस का वी टू है, क्या है वी वन माइनस का वी टू, और ऊपर क्या है इसकी होल स्क्वेयर है। ये आपके पास में दो आवेशित चालकों को संयोजित करने पर जो ऊर्जा हानि होती है उस ऊर्जा हानि के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ए बटा दो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू और वी वन माइनस वी टू की होल स्क्वेयर। आगे देखिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला आपके पास में बना है इसके अंदर अगर दोनों जो आवेशित चालक हैं उनका विभव क्या हो, बराबर हो, यानी V1 और V2 क्या हो, V के बराबर हो, या जो दो आवेशित चालक है जिनको आप लोग क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, और जिनको आप जोड़ रहे हो उनका विभव अगर क्या है, V के बराबर है। अगर समान विभव पर दोनों चालक है तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप देख सकते हो V1 माइनस V2, जो V1 माइनस V2 यहाँ आपने लिखा है V1 माइनस V2, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और अगर ये बन जाएगा तो डेल यू का मान क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। डेल यू का मान कितना प्राप्त हो जाता है, जीरो प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर अपने दो ऐसे चालकों को जोड़ते हैं जिन चालकों का विभव समान है, अगर समान विभव के चालकों को जोड़ा जाएगा तो उनमें ऊर्जा हानि क्या होगी, जीरो होगी। समान विभव के अगर चालकों को आप लोग क्या करोगे, जोड़ोगे, तो उनके लिए ऊर्जा हानि का मान क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है आवेश जो है, आवेश प्रवाह होता है विभवांतर की वजह से। अगर दो वस्तुओं को आप जोड़ रहे हो और दोनों का विभव क्या है, अलग है, तो अलग विभव होने के कारण क्या होता है, आवेश स्थानांतरित होता है। परंतु अगर आप उन्हें समान विभव पर रख रहे हो तो समान विभव होने के कारण आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और अगर आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो डेल यू का मान क्या प्राप्त होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था आवेशित चालकों के पुनर्योजन पर आवेशों का पुनर्वितरण, या आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ये ऊर्जा हानि के लिए आपको सूत्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस सूत्र को ध्यान रखना, ये आवेशित चालकों के
संयोजन के कारण ऊर्जा का इनका आवेशों के पुनर्वितरण के कारण ऊर्जा की हानि है, यानी आवेशित चालकों के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, अपने ये टॉपिक कंप्लीट है अपना, आगे बात करते हैं अपने। आप लोगों ने देखा कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र के लिए जो ऊर्जा का सूत्र आपको मिलता है, वो क्या मिलता है, वो मिलता है U बराबर 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, और इसी को लिख सकते हो आप U बराबर 1/2 सी वी स्क्वेयर, और इसी को लिख सकते हो 1/2 क्यू वी, क्या लिख सकते हो 1/2 क्यू वी, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, किए गए कार्य का फॉर्मूला है। संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य कर रहे हैं, W बराबर U, और किसके बराबर 1/2 क्यू वी के बराबर होता है। अब देखिए आगे, अपने पास में कोई एक संधारित्र है, उसे आप लोग क्या कर रहे हो, Q आवेश दे रहे हो, जिससे उसके विभव जो है उसका मान कितना होता है, V होता है। तो किसी संधारित्र को V आवेश तक आवेशित करने में, अपने ये V विभव तक आवेशित करने में जो कार्य करते हैं वो कितना आता है, क्यू वी आता है, यानी W या जो ऊर्जा अपने दे रहे हैं वो कितनी है, क्यू वी है। क्यू वी अपने संधारित्र को ऊर्जा दे रहे हैं, और संधारित्र संचित कितनी कर रहा है, 1/2 क्यू वी ऊर्जा संचित कर रहा है। बात फिर से समझना, ये तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 क्यू वी, और अपने किसी भी चालक की अगर आप लोग बात करते हो, उसे क्यू आवेश देते हो, विभव जो है उसका अगर वी होता है, तो अपने कितना कार्य करना पड़ता है, अपने कार्य करना पड़ता है क्यू वी। विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, तो W बराबर होगा क्यू वी। इसका मतलब अपने ऊर्जा कितनी दे रहे हैं, क्यू वी ऊर्जा दे रहे हैं, और वो स्टोर कितनी कर रहा है, 1/2 क्यू वी ऊर्जा स्टोर कर रहे हैं, यानी संधारित्र को आवेशित करने में 50% ऊर्जा जो है वो यहाँ से क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, यानी ऊर्जा हानि संधारित्र में अगर आप देखोगे तो 50% क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। ये बात आप लोग संधारित्र के बारे में ज़रूर याद रखना। अब इसी के अंदर आपका एक नया टॉपिक आता है, वो आता है संधारित्र के उपयोग। संधारित्र जो होते हैं उनके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो संधारित्र के उपयोग एक तो आवेश के संग्रहण में, और इसके अलावा लिख सकते हो ऊर्जा के संग्रहण में संधारित्र काम में आता है। एक लिख सकते हो आप लोग वैज्ञानिक अध्ययन में संधारित्र जो है वो काम में आता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होते हैं, उनमें संधारित्र जो है वो काम में आते हैं। इसके और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, चिकित्सा विज्ञान वगैरह होते हैं उनमें भी, अपने जो जितने भी उपकरण होते हैं उनमें संधारित्र लगा होता है। तो इसके अलावा और भी अपने पास में संधारित्र के उपयोग होते हैं, परंतु मुख्यतः अगर एक दो उपयोग की बात की जाए तो मुख्य उपयोग होता है इसका आवेश के संग्रहण में। ठीक है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें भी संधारित्र अपने काम में आता है, वैज्ञानिक अध्ययन में और ऊर्जा के संग्रहण में भी संधारित्र क्या होता है, काम में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के अंदर भी संधारित्र अपने काम में आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बिल्कुल जब चैप्टर की शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास में पंखा होता है, कूलर होती है, मोटर होती है, उन सब में क्या लगा होता है, उन सब में संधारित्र या कैपेसिटर जो होता है वो लगा होता है, जो सेल के जैसा होता है वो क्या होता है, संधारित्र होता है। तो ये आपके पास में क्या है, संधारित्र के उपयोग है। इसी के साथ में आपके जो शुरुआत के 4 चैप्टर है, जो स्थिर विद्युत की जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसके शुरुआत के 4 चैप्टर थे, 1, 2, 3 और 4, ये शुरुआत के 4 चैप्टर थे, 7 नंबर के थे, ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं इसी चैप्टर के साथ में। ठीक है, इसके आगे अपने नई ब्रांच शुरू करेंगे, जो आपका 5वां और 6ठा चैप्टर है वो आपके जो धारा विद्युत की है, फिजिक्स की अलग ब्रांच उसके हैं। ठीक है, 5 नंबर के।